हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एज ऑफ चौसर 1340 to 1400। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन कमेंट बॉक्स। और मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो फर्स्ट से ही शुरू कीजिए और तब इस वीडियो पर आइए। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था आपका एन एरा ऑफ ट्रांजिशन, एंड सेकेंड वन इज ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, थर्ड वन वी टॉक्ड अबाउट, ओके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैक डेथ एंड फेमाइन एंड सोशल अनरेस्ट। अब इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है ना, यहाँ पर हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में इस बारे में, ठीक है। द लॉलर्ड मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है, पीजांट्स रिवॉल्ट के बारे में पूछा जाता है। दीज आर आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम, व्हाट इज पीजांट रिवॉल्ट एंड इट्स डेट, इट्स ईयर, ओके, एंड अबाउट जॉन वाइक्लिफ, व्हाई ही लेड दिस मूवमेंट एंड हाउ ही हेल्प्ड एंड हाउ दिस हैपन्ड, ओके। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉलर्ड मूवमेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्लैक डेथ, फेमाइन एंड सोशल अनरेस्ट, ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों ये जो इस चीज ने इफेक्ट किया था मूवमेंट के लिए, ओके। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। सो इट हैपेंड, इट वाज एन एपोक ऑफ नेचुरल कैलमिटीज एंड विच इंक्रीज द सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल। सो कॉमन पीपल क्या कर रहे थे, सफर कर रहे थे, दे वाज सफरिंग एंड देयर वाज अनदर पीपल हु आर एंजॉयिंग लाइफ, ओके। सो देयर वर बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस प्लेग, लाइक इट रीअपियर्ड इन 62 इन 67 एंड 70, ओके। एक पिक्चराइजेशन मेथड होता है स्टडी का, उसमें क्या करना होता है हमें कि इन सारी चीज़ों की पिक्चर बना के अपने माइंड में आप आइस क्लोज करके रख सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स बना के, और फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे कि आपको 1362 याद करने के बजाय इसका एक पिक्चराइजेशन, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि इनको आई यूज़ दीज हाईलाइटर्स एंड देन आई कैन रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। सो It reappeared, the plague or black death reappeared in 1362, 67 and 1372, 70. So what happened? Because of these things, 1/3 of population was swept away. Remember this one, 1/3 of population swept away. Sare 1/3 population kam ho gayi. Usse kya hua? So labor jo hue the, the laborers were now, there was scarcity of labor. There was no labor. But there were other people who were, you know, enjoying their life. So who were those people? There were nobilities and they were kings. Are you getting? Plague reappeared in this 1/3 population was swept away. Then there was no labor. Ab labor hi nahi bache. And there were some people who were enjoying their life. Okay. And they wanted, you know, laborers for that. But there were other commercial classes. Okay. And the common masses were deprived of their due share. Whatever they were earning, the labor class was not getting the proper share in that. Second thing you should remember is the French wars. Okay, the Hundred Years Wars. Do you remember Hundred Years Wars? We studied that. If you don't know, you can check out video on my channel. Take care. चैनल में विजिट कीजिए, वीडियोस में सर्च कीजिए 100 ईयर्स वॉर, यू विल फाइंड देयर। नाउ बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स देयर वर हैवी टैक्सेशन, रिमेंबर दिस वन, दिस वर्ड हैवी टैक्सेशन। नाउ किसको देना होता है ये हैवी टैक्सेशन, जो कॉमन पर्सन होता है, ओके। देयर वॉज बर्डन ऑफ अनजस्ट लॉज, हैवी टैक्सेशन। देन केम सम पीपल लाइक वॉट टायलर, जैक स्ट्रॉ एंड जॉन बॉल एंड okay again John Ball and Kentish priest praised the dignity of labor and asked nobles some questions. Now there were big questions to nobles. Now what were the questions and what happened later, let's talk about that. Now another word is here, peasants revolt in 1381. Now how many peasants revolt? 81. This is shortcut to remember this one, all right. So sorry, you can remember this 81 peasant revolt, so you can remember this one. इस तरह से याद रख सकते हैं कि 81 पीजांट्स ने रिवॉल्ट किया था। बट व्हाट वाज दैट, दिस वाज एन अपराइजिंग, ओके, बाय मासेस। व्हाई दिस? बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन, देयर वाज लेस लेबर, पीपल, किंग्स एंड अदर पीपल, दे वर एंजॉयिंग देयर लाइव्स एंड
because of the French wars, there was heavy taxation. Okay, so this became uprising of masses, and that is called the Peasant Revolt in 1381. Remember this. And was suppressed by the courage and good judgment of Richard II. Richard II suppressed it, but it was a clear sign of widespread social tension and unrest. अब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. It was Richard's rule was unwise. Okay, and there was social unrest, political unrest. Okay, tension was grew during his reign. The constitutional conflicts between the king and his subjects resulted in endless discord and confusion. So remember this. These were the causes of Peasant Revolt, which was suppressed by Richard II. The corruption of the church and reformation. And who came, means who led this? There was a guy who came out of, and he was the first person to challenge the authority of Catholic Church. Remember this, John Wycliffe. Why we call him the morning star of the Reformation? Why we call him the morning star of Reformation? He was the first person, remember this, and he challenged the authority of Catholic Church. Okay, and he did his best to revive spiritual Christianity in England. That's why we call him the morning star of the Reformation. And before this, we see lots of corruption. That's why he challenged. And another fact about this work is, you remember the prologue by in Chaucer's work. Okay, there was a character which is showing this whole corruption, who was showing the whole corruption in this work. Okay, Lollard movement was the first important opposition to Catholicism in England. Wycliffe successfully carried out his mission of exposing the corruption of church. He wrote religious pamphlets, sent his itinerant preachers far and wide with the message of gospel. Wycliffe produced a complete English version of Bible with the help of disciple. All right, so he, in this way, he is also helping English, isn't it? वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ग्रो करने में. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डॉन ऑफ लर्निंग एंड अदर थिंग्स वी विल बी कैरिंग ऑन. सो वन थिंग, वन रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट पुट ऑफलाइन द वीडियो, वॉच इट ऑनलाइन. थोड़ा सा ऑनलाइन आपका डेटा लगेगा, बट वॉच ऑनलाइन. एंड एक चीज़ बस आपको करनी है, आप इसे शेयर कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो. ऑलराइट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग माय चैनल. बाय बाय. Take care. Good luck for exams.